तो दोस्तों ये है नॉइस पावर ब्लूटूथ हेडफोन, और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका अनबॉक्सिंग के साथ डिटेल रिव्यू। आप सबको बताऊंगा कि इसका साउंड ऑफ क्वालिटी कैसा होने वाला है, और साथ में बताएंगे क्या आप सबको इस हेडफोन को बाई करना चाहिए या नहीं। तो गाइस ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको करना क्या, सिंपली वीडियो पर बने रहना। तो गाइस सबसे पहले बॉक्स के अनबॉक्सिंग के बारे में बात की जाए तो ये है हमारे पास नॉइस पावर ब्लूटूथ हेडफोन की बॉक्स की पैकिंग, और यहाँ पे हमें जो बॉक्स की पैकिंग है वो व्हाइट कलर की देखने को मिल जाता है। यहाँ पर नॉइस एंड नॉइस पावर का जो ब्रांडिंग है वो भी देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही में अगर हम बॉक्स के ऊपर देखें तो यहाँ पर साइड से ट्रांसपेरेंट की पैकिंग है, जिसकी साइड से हमें इस हेडफोन का जो लुक और डिज़ाइन है वो देखने को मिल जाता है। हमारा जो हेडफोन है वो ब्लैक कलर का यहाँ से सामने की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। एंड बॉक्स की लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप सबको लिसन टू द नॉइस विद इन डॉट का जो ब्रांडिंग टाइटल है वो भी देखने को मिल जाते हैं। एंड बॉक्स की बैक साइड की पैकिंग की बात करेंगे तो ये है इसकी बॉक्स की बैक साइड की पैकिंग। यहाँ पर आप सबको इस हेडफोन से रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशन फीचर्स वगैरह वो भी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर बॉक्स के ऊपर की साइड। तो यहाँ पे आप सबको 24 आवर्स प्ले टाइम मिलने वाला है, 40 mm का ड्राइवर साइज है, वॉइस असिस्टेंट है, ब्लूटूथ 5.0 है, इंस्टेंट चार्ज है, हैंड्स फ्री कॉलिंग के फीचर देखने को मिल जाएंगे। एंड नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पे आप सबको इसका MRP एंड मैनुफैक्चर डिटेल वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो भाई ये जो हेडफोन है इसका जो एक्चुअल प्राइस है मैं आप सबको बताऊँ तो ये हेडफोन आप सबको 1000 से 1500 की रेंज में ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। तो भाई फटाफट से इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमें इस बॉक्स में से क्या मिलता है। तो गाइस यहाँ पे बॉक्स को ओपन करने के बाद आप सबको यहाँ पे नॉइस पावर हेडफोन का यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जिसे कि आप सब चाहो तो रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आप सबको यहाँ पे नॉइस हेडफोन का वारंटी कार्ड भी मिल जाता है, जिसे कि स्कैन करके आप वारंटी रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट आप सबको यहाँ पे नॉइस की तरफ से एक स्टिकर मिल जाता है, जिसे कि आप सब यूज़ भी कर सकते हो। नेक्स्ट आप सबको यहाँ पे 3.5 mm के ऑडियो ऑक्स केबल मिल जाता है, जिसकी मदद से आप सब अपने इस हेडफोन को वायर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। तो इसकी जो वायर की क्वालिटी नॉर्मल है और लंबाई जो है काफ़ी अच्छी लंबाई, यानी कि 1 मीटर की वायर है। नेक्स्ट आप सबको यहाँ पे USB टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाता है, जो कि एवरेज क्वालिटी के साथ में देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट आप सबको यहाँ पर नॉइस पावर हेडफोन वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लैक कलर के साथ में होने वाला, और इस बॉक्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो फटाफट से हम इन सब चीज़ों को रख लेते हैं साइड में। और अगर आप सबने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप सब हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो गाइज अब बात कर लेते हैं नॉइस पावर ब्लूटूथ हेडफोन के लुक डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात। तो गाइज सबसे पहले इसकी ओवरव्यू लुक और डिज़ाइन की बात की जाए तो यहाँ पर आप सबको मैं इस हेडफोन का जो ओवरव्यू लुक और डिज़ाइन आप सबको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो हेडफोन है ये फुली ब्लैक कलर के साथ में है एंड मैट फिनिशिंग के साथ में देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके लुक और डिज़ाइन की। तो गाइज ये है हमारे पास हेडफोन नॉइस पावर ब्लूटूथ हेडफोन, और इसका जो फ्रंट लुक है कुछ इस टाइप से होने वाला है, और ये और इसका जो कलर है वो फुली ब्लैक कलर के साथ है, ऊपर से ये मैट फिनिशिंग के साथ है, तो काफ़ी अच्छा ग्रे। तो साइड में अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर एक प्लास्टिक की रिंग लगा हुआ है, जो कि एक सिल्वर लुक प्रोवाइड करा है। इसकी जो लुक और डिज़ाइन है वो यहाँ पे इसका राउंड सर्कल करके काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे नॉइस का जो ब्रांडिंग है वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल इसका जो लुक और स्टाइल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगा मुझे इस हेडफोन के, और इसका जो सेम लुक और डिज़ाइन है यही चीज़ आप सबको इस नॉइस पावर हेडफोन का जो लुक और डिज़ाइन है काफ़ी स्टाइलिश, आप सबको इस हेडफोन का जो लुक और स्टाइल वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बना रहा है। वाकई में इसका जो लुक और डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छा है, एंड यही सिमिलर जो लुक और स्टाइल है वो सेम आप सबको लेफ्ट एंड राइट वाले ईयर्स कप्स के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल सेम है इसका लुक और डिज़ाइन, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ज़्यादातर हेडफोन में यही चीज़ें आपको होती है कि लेफ्ट और राइट वाला हेडफोन का जो लुक और डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम देखने को मिल जाते हैं। साथ में अगर यहाँ पे हेडफोन की बात करेंगे तो यहाँ से इस हेडफोन का जो साइज़ है वो एक्सटेंड हो जाता है, यानी कि आप सब अपने हेडफोन को अपने हेड के साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ से आप अपने हेडफोन का जो साइज़ है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हो। और अगर इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो बिल्ड क्वालिटी हो काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइज अब बात कर लेते हैं इस हेडफोन के हेड बैंड के बारे में बात। तो गाइज ये जो हेडफोन का
हेडबैंड है। यहाँ पे आप सबको इसके जो अंदर का मटेरियल है वो मेटल का देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से इसका जो स्ट्रेच है वो जितना मर्जी आप स्ट्रेच करोगे तो ये ब्रेकेज नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मेटल की प्लेट लगी हुई है। और इसके ऊपर की साइड आप सबको कुशन देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही में अगर हम इसके अंदर की साइड देखेंगे तो इस हेडबैंड के ऊपर आप सबको नॉइस पावर का जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पर आप सबको वायरलेस हेडफोन और इसका जो बैटरी एमएच है, जैसे कि 500 mAh का जो बैटरी है, यानी कि इस हेडफोन के जो इनपुट वोल्टेज वगैरह वो सारी चीज़ें आप सबको इस हेडफोन के बैंड के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइज, अब बात कर लेते हैं इस हेडफोन के ईयर्स कप्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप सबको जो इसका ईयर्स कप्स है वो ऑन द ईयर हेडफोन मिल जाते हैं, यानी कि इसके ईयर कप जो वो ओवर द ईयर हेडफोन नहीं है। और साथ ही में जो हमारा हेडफोन है ये फोल्डेबल भी नहीं है, यानी कि इस हेडफोन को आप फोल्ड नहीं कर सकते हो, ना ही इससे हेडफोन का जो रोटेशन है कुछ नहीं कर सकते, बस ये हेडफोन जैसा है वैसा ही इसको यूज़ कर सकते हो, आप सब अपने हेड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हो। तो ये इस हेडफोन का मुझे कमी लगा, क्योंकि ये ना तो ये हेडफोन रोटेट होता है और ना ही आप सब इस हेडफोन को फोल्ड कर सकते हो। और अगर हम बात करें इस हेडफोन के ईयर कुशन की क्वालिटी के बारे में, तो इसका जो ईयर कप है, इसकी जो सॉफ्टनेस है, वो प्राइस के अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ इसमें मुझे देखने को मिल रहा है, तो इसकी सॉफ्टनेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। प्राइस के अकॉर्डिंग इसके ईयर कप्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ देखने को मिल जाएंगे। ये देख सकते हो आप, इसका जो क्वालिटी है काफ़ी स्मूथ है एंड काफ़ी सॉफ्टनेस के साथ है, यानी कि तो यूजर्स में इसके जो ईयर्स कप्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल फील होने वाले हैं, यानी कि इसकी जो क्वालिटी है ईयर कुशन के वो काफ़ी अच्छा है। एंड अगर हम बात करें इस हेडफोन में कुछ मल्टी कंट्रोल बटन के, तो यहाँ पे आप सबको मल्टी कंट्रोल बटन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप सबको टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, जिसकी मदद से आप सब इस हेडफोन को चार्ज कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी बात है कि इस प्राइस रेंज में आप सबको टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। नेक्स्ट, आप सबको यहाँ पे आप सबको नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आप सबको ऑक्स इनपुट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, ये देख लीजिए। तो यहाँ से आप सब अगर इसके हेडफोन का जो बैटरी टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे से आप इस हेडफोन को सीधा डायरेक्ट ऑक्स वायर के मदद से भी इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस हेडफोन में। और यहाँ नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पे LED लाइट इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज, इस हेडफोन का जो पावर बटन है वो सेंटर वाला बटन है, इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे आपका जो हेडफोन है वो ऑन हो जाता है, जैसे कि मैं आप सबको करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे LED लाइट इंडिकेशन जो वो ऑन हो जाता है, और हम यहाँ पे से हाथ हटाएंगे तो अब कुछ टाइम वेट करने के बाद इसका जो लाइट है वो रेड और वाइट कलर का जो लाइट है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारा जो हेडफोन है वो पेयरिंग मोड पे आ चुका है और आप सब इस हेडफोन को किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये है हमारा इस वायरलेस हेडफोन का पावर ऑन ऑफ बटन। और नेक्स्ट, इसके ऊपर अगर देखो तो यहाँ पे प्लस का बटन है, जिससे कि आप सब इसके हेडफोन का वॉल्यूम ज़्यादा करना हो कर सकते हो, तो सिंपल सिंगल प्रेस से इस हेडफोन का जो म्यूज़िक है वो प्लस कर सकते हो। अगर आप सब इसी बटन को अगर लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो इसका जो सॉन्ग है उसे आप चेंज कर सकते हो, तो यानी कि लॉन्ग प्रेस करने से गाना को नेक्स्ट कर सकते हो, सॉन्ग को नेक्स्ट कर सकते हो, और सिंगल प्रेस से वॉल्यूम को अप कर सकते हो। एंड यहाँ पे वॉल्यूम माइनस बटन भी है, तो यहाँ पे आप सब सिंगल प्रेस करने से इसका जो वॉल्यूम है वो कम कर सकते हो, और सेम ऑप्शन यहाँ के अगर लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो सॉन्ग को प्रीवियस कर सकते हो। एंड जो ऑन ऑफ बटन है वही सेम मल्टी फंक्शनल बटन है, यानी कि म्यूज़िक को प्ले पॉज करना हो तो सेम आप सब पावर बटन को ही सिंगल प्रेस करने से म्यूज़िक को प्ले पॉज कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नॉइस पावर ब्लूटूथ हेडफोन की साउंड ऑफ क्वालिटी एंड माइक ऑफ क्लैरिटी के बारे में। तो गाइज, पर्सनली मैंने इस हेडफोन का साउंड टेस्ट के साथ कॉलिंग भी टेस्ट किया है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसके जो साउंड ऑफ क्वालिटी है वो काफ़ी एवरेज है। और साथ ही में आप सबको यहाँ पे 40 mm का ड्राइवर साइज मिल जाता है, जिससे कि इसकी बेस की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला था, लेकिन बेस क्वालिटी भी इसका एवरेज ही है। और बात करें अगर इसकी माइक की क्लैरिटी में, तो गाइज कॉलिंग में आप सबको किसी भी तरह का इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं इसका ओवरव्यू, क्या आप सबको इस हेडफोन को बाय करना चाहिए या नहीं। तो गाइज़, अगर बात करें इसके ओवरव्यू प्राइस के अकॉर्डिंग, तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप सबका जो हेडफोन है ये फोल्डेबल हेडफोन नहीं है, यानी कि आपको इसको कैरी करने के लिए ये हेडफोन फोल्ड नहीं होता। और साथ ही में इसके हेडफोन के जो ईयर कुशन है वो एडजस्टेबल भी नहीं, यानी कि रोटेट नहीं होते हैं, तो कंफर्टेबल में थोड़ा सा आप सबको दिक्कत परेशानी आ सकती है। एंड म्यूज़िक क्वालिटी की बात की जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसका जो म्यूज़िक ऑफ क्वालिटी भी है वो मुझे एवरेज ही लगा। तो गाइज़, आप सब बताना कि आप सबको ये हेडफोन कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सबको ये हेडफोन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप सब हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।